प्रणाम मित्र, भवर अमित है। आज डीएम साहब के यहाँ इसलिए पीड़ित परिवार आया है। ये 12 तारीख की घटना है। 12 तारीख में एक वाल्मीकि समाज से बिट्टू परिवार का एक मृतक व्यक्ति, 13 तारीख में जो मृतक घोषित हुआ है, जो 12 तारीख में लापता था और 13 तारीख में उसकी डेड बॉडी मिली है जंगल से, और जिस तरह की लोकेशन मृतक बिट्टू की पाई गई है वो एक हत्या है, मर्डर है, और जिसमें पुलिस प्रशासन आज गौर नहीं कर पा रहा है, ना कोई इन पीड़ित परिवार की सुनवाई कर रहा है। और हमारी निवेदन यह है, प्रार्थना है हमारी जिला प्रशासन से कि पीड़ित परिवार की बात सुनी जाए, इनकी तहरीर लिखी जाए और निष्पक्ष रूप से जांच हो ताकि पीड़ित परिवार को एक सांत्वना मिले, उनका दंड बना जाए। इसमें भोपा थाना इन्वॉल्व नहीं है, ये जो क्षेत्र है कगरौली क्षेत्र का मामला है। हाँ, तो कगरौली क्षेत्र में जो ये लड़का मृतक पाया गया है उसी क्षेत्र का ये जंगल था। अब क्षेत्र में जो सन्नाटा छाया हुआ है, बच्चे बच्चे के मुंह पे ये है कि बिट्टू जो है वो अपनी मौत नहीं मरा है, जैसे उसकी लोकेशन थी, जैसे वो पड़ा हुआ था वो लोकेशन एक हत्या के रूप में, अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है और ना ही कोई जांच वगैरह हुई है। पीड़ित परिवार की और वाल्मीकि समाज समस्त क्षेत्रवासी जो निवेदन कर रहा है जिला प्रशासन से, वो यही निवेदन कर रहा है कि इसकी जांच हो, मामले की जो प्रकरण है उसे सीधा सामने लाया जाए और इनकी रिपोर्ट लिखी जाए। पीड़ित परिवार की छोटे छोटे बच्चे हैं, तो किस चीज़ का है कि हमारा जो कगरौली एसएचओ है, उन्होंने एक वाल्मीकि परिवार का आदमी मारा गया, जो मजदूर आदमी था, अकेला करने वाला था, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रहा था, पालन पोषण कर रहा था। 12 तारीख में लापता हुए हैं जो परिजनों का कहना है, और 13 तारीख में जो उनकी लाश पाई गई है कगरौली क्षेत्र में, तो इन बच्चों का आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ मदद होना चाहिए था, वो भी एसएचओ साहब ने। हमारी गुहार यही है डीएम साहब से कि हमारी जो जांच हो इस मामले की, इस प्रकरण की, और इन पीड़ित परिवार की, ये वाल्मीकि समाज का जो परिवार यहाँ खड़ा हुआ है समस्त, इनकी तहरीर लिखी जाए और इस मामले की अच्छी तरह से जांच हो। सब ना, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रंजित है या कोई किसी के ऊपर बिना वजह का जो आरोप लगाया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन परिवार की भरपाई किस तरह हो, परिवार संतुष्ट किस तरह हो, परिवार को जो पीड़ित परिवार है वो संतुष्ट कैसे हो, वो तो पुलिस प्रशासन का काम है ना। अब ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार को संतुष्ट करे और इनकी तहरीर लिखे और निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो। यही है कि 12 तारीख को पति गांव में निकलने गए थे, फिर लौट के नहीं आए, फिर हम बहुत देर हो गई दोपहर से, बाद में ढूंढा हमने, कहीं नहीं मिले, ढूंढा ढूंढा पूरी रात चली गई पर नहीं मिले। तो अगले दिन सुबह के टाइम मिले, बहुत कगरौली थाना में हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई, उन्होंने कह दिया कि ऐसे ही अपना की धूम में पड़ गए मृत्यु हो गई। जी मेरा नाम अन्नी है, मैं मृतक की भाभी हूँ। सर जिस जगह वो मिले ना, उस जगह हमने पहले ही कई फिर तलाश कर चुके हैं, देख के आए पर हमें उस जगह नहीं मिले, और अगले दिन सुबह के टाइम उसी जगह हमें उनकी डेड बॉडी मिली, और जिस तरह उनकी हालत थी डेड बॉडी की कि इतनी पूरी हालत में थे कि आप खुद ही फोटो में या किसी भी चीज से पुलिस वालों से संपर्क करके देख सकते हैं। सर पूरे गले पर भी निशान थे, हाथों में भी निशान है, हर जगह निशान है, पर पुलिस वाले इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका यही कहना है कि मृतक धूप की वजह से अपने आप ही उनकी मौत हो गई है।
सर हम ये चाहते हैं इंसाफ हो, इस चीज में कार्रवाई हो, जो भी कुछ है हमारे सामने आए।